नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी फरियाद। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद दोपहर बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। सीएम योगी ने गीडा में 143.69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। सौंपा गीडा में 1005 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव देने वाले 6 नए निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र। कहा, निवेश सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में नजीर के रूप में ली जा रही यूपी की कानून व्यवस्था, सुरक्षा के माहौल से यूपी बना निवेशकों का पसंदीदा स्थान। गीडा में सीएम योगी ने उद्यमियों के स्टालों का किया अवलोकन। बातचीत कर बढ़ाया उनका उत्साह। सजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है गीडा। छह नए निवेशकों व रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को सीएम के हाथों मिला भूमि आवंटन पत्र। निवेशकों व उद्यमियों ने कहा, जितना काम 22 साल में हुआ है उससे दुगना काम किया है योगी सरकार ने। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में 144 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, विकास ही उज्जवल व मंगलमय भविष्य की है गारंटी। हर एक व्यक्ति को न्याय, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा, यही है सरकार की मंशा और प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के 3 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपा आवास की चाबी तथा गोवंश रक्षा के लिए भूसा दान देने वाले 3 लोगों को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। छह रोगियों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवा के किट्स का किया वितरण। लाभार्थियों ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। दुष्कर्म के आरोप में कई महीनों से वांछित चल रहे एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गीडा में साहू समूह के स्टॉल का सीएम योगी ने किया अवलोकन। साहू समूह के सीएमडी अजय साहू ने कहा, 1 मई को एलईडी टीवी और रविवार को वॉशिंग मशीन किया है लॉन्च। उनकी कंपनी ने पूर्वांचल के लोगों से मिला है भरपूर प्यार। और गीडा में उद्यमियों के स्टॉलों में से एक पर लगे ई बाइक पर सदर सांसद रवि किशन हुए मुग्ध। ई बाइक को चलाकर लिया ट्रायल। कंपनी के फाउंडर ने कहा, ई बाइक एक बार चार्जिंग करने पर चलेगी 150 किलोमीटर और प्राइस है मात्र 90,000। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रम में शामिल हुए। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया। रविवार को मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाया, जहां पर उन्होंने प्रदेश के कई जिलों से आए फरियादियों के फरियाद को सुना। उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। वहीं जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री की नजर गोद में बैठी 5 साल की आरूही नाम की बच्ची पर पड़ी, जो कि पिपराइस की रहने वाली है। बच्चे को देखकर सीएम योगी ने बच्चे को खूब दुलार दिया व सिर पर हाथ फेर कर व चॉकलेट मंगवा कर दिया। वहीं जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिग्विजयनाथ पार्क में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री गीडा पहुंचे, वहां पर भी मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कर हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था निवेश के लिए अनिवार्य शर्त है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर के रूप में ली जा रही है। गत 5 वर्षों में इस दिशा में जो कदम उठाए गए उसके अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। सुरक्षा का माहौल बना तो यूपी निवेशकों का पसंदीदा स्थान बन गया। शानदार कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश निवेश सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। यूपी में निवेशक भी सुरक्षित है और उनका पूंजी निवेश भी। सुरक्षा से निवेश होगा, निवेश से विकास होगा, लोगों को काम मिलेगा और सबके जीवन में खुशहाली आएगी। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 143.69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास व 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव देने वाले निवेशकों तथा रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के उद्यमियों के भूमि आवंटन पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण इसमें यूपी से स्वाभाविक तौर पर अपेक्षाएं अधिक होंगी। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप हम अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में तभी सफल होंगे जब निवेश की गति निरंतर तेज होती रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अगले कुछ वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का प्रदेश बनाना है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता मिलकर पीएम की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ रही है। ऐसे में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में देर नहीं लगेगी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार के पहले कार्यकाल में 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे गए हैं। इस सिलसिले को बढ़ाते हुए 3 जून को प्रदेश के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के साथ ही सरकार ने परंपरागत उद्यम को ODOP में शामिल कर तथा परंपरागत शिल्पकारों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाकर लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश अनावश्यक मुद्दों से दूर रहकर विकास की नई आभा के साथ बुलंदियों को छूने को उतावला है। आप सब ने देखा कि कैसे श्री राम नवमी, हनुमत जयंती और ईद का पर्व यहां पूरी शांति के साथ संपन्न हुआ। सड़कें चलने के लिए होती हैं, आस्था के लिए धर्मस्थल है। इस संदेश से सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां नहीं हुई। माइक लगाकर उपासना व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, इसे जबरन थोपा नहीं जा सकता। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में 1 लाख से अधिक माइक या तो उतारे गए या उनकी आवाज कम की गई है। सीएम योगी ने कहा कि कभी माफिया और पिछड़ापन के चलते बदनाम रहा गोरखपुर विकास की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ गीडा में उद्योगों के ढेर सारे प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गीडा को जैतपुर में कनेक्ट कर रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले औद्योगिक क्लस्टर से नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अपने जनपद में ही रोजगार व नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि गीडा की स्थापना 40 साल पहले हुई थी, लेकिन विकास भाजपा सरकार ने शुरू किया। माफिया का सफाया कर कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया। बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो शिकायतें थी उसे दूर किया गया। गीडा में विकास को लेकर हुए और हो रहे बदलाव की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां गारमेंट क्लस्टर के साथ ही फ्लैटेड फैक्ट्री का भी अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री में एक के स्थान पर तमाम उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करेंगे। इससे हजारों नौजवानों व महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ की ऊर्जा और पूंजी लाभ का इस्तेमाल अब यही हो सकेगा। इसी तरह गीडा में प्लास्टिक पार्क की योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। IT पार्क के लिए भूमि आवंटन का कार्य आगे बढ़ चुका है। सीएम ने एम्स व खाद कारखाने से आए बदलाव का जिक्र भी अपने संबोधन में किया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने गोरखपुर व बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की, उद्यमियों को अच्छा इंसेंटिव प्रदान किया। आज उसका परिणाम दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि गीडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी उनकी सरकार का पूरा ध्यान है। उन्होंने कहा कि गीडा में प्रदूषण मुक्त उद्योग लगेंगे या उन्हें CTEP से जुड़ना होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नदी में प्रदूषण न गिरने पाए। उन्होंने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से अपील किया कि वह गीडा में प्रशासन के साथ मिलकर खाली जमीनों पर वृक्षारोपण कर क्षेत्र को विकसित करके
हरा भरा बनाने में भी योगदान दें। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गीडा के अलग अलग सेक्टर में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 143.69 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने 67.86 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण व 75.83 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, महापौर सीताराम जायसवाल, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीईओ गीडा पवन अग्रवाल, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया, पूर्व अध्यक्ष एस के अग्रवाल समेत कई उद्यमी अधिकारी आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, भविष्य के कौशल विकास से लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। भारतवर्ष के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिस
से समस्त भारतवर्ष को गर्व। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन हम चाहे मे को भैया हो जोरदार गड़गड़ा के ताली महाराज जी के स्वागत। ये ताली खातिर कि पूज्य महाराज जी जे कहलन उ कैलन जे कहलन उ आज तक और आज ले पांच बेर के माननीय सांसद रहलन पूज्य महाराज जी। कुल समस्या उनके मालूम रहे और कुल समस्या के जैसे उनके भगवान महादेव गोरक्षनाथ बाबा समय देलन देवकुल जनता उनके मुख्यमंत्री बनौले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिलल और वो निरंतर काम करते हुए इस उत्तर प्रदेश को बदलते गया और उसमें गोरखपुर कहीं पीछे नहीं छूटा। एक नया गोरखपुर, एक नया, जोर से बोला है नया। और उस नए गोरखपुर में गीडा 2200 एकड़ की जमीन काबा। हम 2 मिनट में बोला उग्रे पहले माननीय सांसद बांसगांव कमलेश पासवान जी के स्वागत बा, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत बा। सजनमा में 44,000 वोट से एक भारी, इस धरती पे कभी इतने वोट से कोई जीता नहीं, प्रदीप शुक्ला जी जीते हैं, एको गड़गड़ा के स्वागत। आज इन्हों बोली हैं महाराज जी के समक्ष। हमारे ग्रामीण के माननीय विधायक विपिन सिंह जी, हमारे अद्भुत मेयर साहब बैठल बाड़ा नेजा, दूरदृष्टि उनकर बहुत दूर तक बा। ये अधिकारी जो बड़ी मदद करते हैं, बहुत शार्प व्यक्ति हैं, इन्वेस्टर्स को लेके आज करीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा निवेश होने वाला है 6 नई कंपनियों के साथ। बहुत बड़ा दिन है आज गोरखपुर के लिए, गीडा के लिए, सजनवा के लिए, धरती के लिए बहुत बड़ा दिन है। अभी पूज्य महाराज जी के साथ हम पीछे घूम रहे थे तो गैलेंट कंपनी से लेके, 9 कंपनी से लेके, अनगिनत कंपनी के जीन्स बनावाता, के शॉर्ट्स बनावाता, के सरिया बनावाता, के इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लेके आ गई, कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक भी ये सोचो गोरखपुर में हो रहा है, ये नोएडा में बंबई में नहीं हो रहा, ये गोरखपुर में हो रहा है, गीडा में हो रहा है। ये सोच जब निस्वार्थ होती है, एक वोट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बहुमत की सरकार बनी, अब पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ लोग आराम करना, कुछ लोग सोचना तनी मुख्यमंत्री का आनंद ले, एयर कंडीशन में बैठी, महाराज जी निकल गए, एक दिन आराम नहीं किया, निरंतर के अब नया खा दे दे। काल वहां पे सड़क बात तो नाली बात तो जल जमाव नहीं हुई, तई बनी तऊ बनी, फर्टिलाइजर बन गई, एम्स बन गई, अब गीडा को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि कई हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है आज। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, कई हजार लोगों को, गोरखपुर वासियों को, सहजनवा वासियों को, गीडा के आसपास के गरीब गुरबा जितने भी हैं, मजदूर वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, सब लोगों को यही नौकरी मिलेगी, सेटअप लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, ये जितने लोग आ रहे हैं, काम हमारे घर के बच्चों को मिलेगा, काम हमारे गरीब परिवार को मिलेगा, काम गोरखपुर को मिलेगा, पैसा यही आएगा। बाहर की पूरे भारत की कंपनी गीडा में आ रही है, गोरखपुर में आ रही है, रोजगार हम लोगों को दे रही है। धन्यवाद महाराज जी। देश कैसे उज्जवल हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, मंदिर भी बन रहा है तो गीडा में फैक्ट्रीज भी बन रही है, सड़कें भी बन रही है तो अस्पताल भी बन रहे हैं। ना कहीं महाराज जी के लिए हमके 2-4 घंटा पूरा दिन लग जाए इनके काम को गिनवाते हुए। आज तक यह अपने क्षेत्र का जहां उनका गांव है उसी का उन लोगों ने विकास किया, ये महाराज जी की सोच है। हम लोग धन्य है कि हम लोगों को पूज्य महाराज जी के रूप में मुख्यमंत्री मिले, गरीबों का कल्याण होता रहे, सबको रोजगार मिले। इसी के साथ हम अपनी वाणी के समाप्त करब, लेकिन दोनों हाथ सब लोगों को उठ जाएंगे, चाहे माई बहन बाबा। परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 75.83 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास अपने कर्तव्य से करें। मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्य से गुजरात के
आवंटित क्षेत्रफल में 1.80 करोड़ का, वहीं उनके मीटर के क्षेत्रफल में इनके इस निवेश के लिए अपना आवंटन पत्र प्राप्त करते पश्चात श्री योगेश छाबरिया जी धन्यवाद देती है। आवंटन पत्र को प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के श्री अनुजेश आज निवेश के लिए आवेदन पत्र को और 20 करोड़ रुपए का निपरा डॉक्टर आर ए अग्रवाल जी से विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी हेतु व्यापक निवेश की संभावनाओं और भूमि आवंटन के आपके इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद बांसवा श्री अमरेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक सैजनवा श्री प्रदीप चोपड़ा जी, विधायक खजनी श्री शिवराम चौहान जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री विष्णुजीत सरिया जी, श्री रामपाल सिंह जी, रय भान सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव जी, रमेश सिंह जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव पशुधन श्री रजनीश दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ यहाँ पर आज गीड़ा के विकास से जुड़ी हुई गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार और गीड़ा में व्यापक निवेश की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। गीड़ा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी का हृदय से आपको बधाई देता हूं, आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। और इसके साथ ही यहां पर जो विकास की तमाम योजनाएं यहां पर तैयार होनी है, जिनके माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत अधिक का निवेश यहां पर होगा और 2,500 से अधिक नौजवानों को रोजगार यहां पर उपलब्ध होना है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम गोरखपुर के दृष्टि से अत्यंत उपयोगी कार्यक्रम गोरखपुर के लिए होने जा रहा है, जिसमें यहां पर मेसर्स कियान विश्वरीज प्राइवेट लिमिटेड, सीपी बिल्ड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और भी अन्य तमाम निवेश की संभावनाओं के लिए भूमि आवंटन का जो कार्यक्रम यहां पर हुआ है, हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 trillion का बनाने का एक बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश से अपेक्षाएं होगी और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल हो सके, इससे निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब
सभी निवेशक और उद्यमियों को जिन्होंने गोरखपुर के गीड़ा जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में निवेश के लिए चुना और आज यहाँ पर वे लोग निवेश के भूमि आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के से अधिक का निवेश गोरखपुर में होगा और 2500 से अधिक नौजवानों को यहाँ पर सीधे सीधे नौकरी और रोजगार उपलब्ध होगा। मैं इसके लिए निवेशकों करके से धन्यवाद देते हुए आप सभी को गोरखपुर के नौजवानों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके लिए बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका के रूप में स्थापित करने के आगामी कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा और इसके लिए निवेश आवश्यक है और निवेश की जो बुनियादी शर्त होती है वह है सबसे पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर के रूप में दी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए जो कदम बढ़ाए आज उसके अपेक्षित परिणाम पूरे देश के सामने आ रहे हैं। और अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने हुआ, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी, भगवत जयंती और ईद के अवसर पर पूरी तरह शांति और सौहार्द का वातावरण रहा। हर व्यक्ति ने विकास की योजनाओं पर ध्यान देना प्रारंभ किया, अनावश्यक मुद्दों से अपने आप को दूर रखा। दूसरा ऐतिहासिक कार्य उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। शासन ने अपेक्षा रखी कि सड़कें चलने के लिए होनी चाहिए, आस्था के स्तंभ धर्मस्तंभ होते हैं, सड़क नहीं हो सकती और सड़क पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां इस दौरान नहीं हुई है, यह भी एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम पर। तीसरा, आपने देखा होगा कि तमाम लोग धर्मस्थलों पर माइक लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त करते थे, यह हर एक की आस्था हो सकती है लेकिन आस्था व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, हम अपनी आस्था को किसी पर जबरन नहीं थोप सकते। और इसलिए से जब सरकार ने तय किया कि किसी भी धर्म स्थल पर माइक की ध्वनि उसके परिसर के बाहर नहीं आना चाहिए, 1 लाख से भी माइक या तो धर्म स्थलों से उतरे हैं या उनकी आवाज धीमी हो गई है और वे परिसर तक सीमित हो गए, ये सभी चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश विकास की एक नई आभा के साथ विकास की नई बुलंदियों को छूने के लिए उतावला दिखाई देता। और ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश की पूरी टीम मिलकर के काम करेगी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का सहयोग अगर एक साथ मिलकर के शासन के साथ, प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलेगा तो भाइयों बहनों, हम लोग प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमें बहुत देर नहीं लगेगी, यह कार्य हम लोग बहुत शीघ्र इसको हम लोग प्राप्त करने में सफल होंगे। आज गीड़ा का एक कार्यक्रम इस देश से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, गोरखपुर विकास की आज एक नई कहानी लिख रहा है, गीड़ा विकास की अपने एक नई गति के साथ आगे बढ़ा, ढेर सारे निवेश के प्रस्ताव गोरखपुर को प्राप्त हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो लिंक वे है वह गोरखपुर को इसी गीड़ा में जयपुर के साथ जोड़ रहा और गीड़ा के विस्तार के कार्यक्रम हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, गीड़ा का विस्तार हो, गीड़ा विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी और रोजगार के लिए जाना पड़े क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवान को गोरखपुर में ही या अपने क्षेत्र में ही, अपने जनपद में ही उसे नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सके और इसके लिए जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं
और गीड़ा तो आज से 40 साल पहले बना था, लेकिन बनने के बाद इसमें विवाद खड़ा हो गया था। जब 1997-98 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बनी थी, उस समय हम लोगों ने उस समस्या का समाधान किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उद्यमी गोरखपुर में, जो गोरखपुर कभी बदनाम हुआ करता था, माफिया के कारण आज माफिया का सफाया हो गया है। आज गोरखपुर विकास की नई मंजिल को छूता हुआ दिखाई देता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा नौजवान अपने ही जनपद में नौकरी और रोजगार प्राप्त कर सके, और इसी दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। चाहे वह यहाँ पर गारमेंट क्लस्टर के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास हो, या फिर यहाँ पर जो आज भूखंड आवंटित किए गए हैं गारमेंट पार्क के लिए, इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो प्लेटेड फैक्ट्री के गारमेंट रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक नया हम लोग अभिनव प्रयोग करने के लिए लेके आए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो व्यापक संभावना है, यहाँ पर अभी से कुछ उद्यमी मैं देख रहा था, जो गीड़ा में उद्योग लगे हैं, जिन लोगों ने निवेश किया है, वे क्या क्या कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत नजदीक से यहाँ पर लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से देखा। रेडीमेड गारमेंट का कार्य कितना अच्छा हो सकता है, उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी हो सकती है, यहाँ पर पहले से लगे हुए उद्यम इस बात को प्रमाणित करते हैं। और जब नेटेड फैक्ट्री की परियोजना कार्य रूप लेगी, तो एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर तमाम रेडीमेड गारमेंट्स के उद्यम लगेंगे, उसमें निवेश होगा, हजारों नौजवानों को, महिलाओं को यहीं पर रोजगार प्राप्त होगा, और वहीं से विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश को देंगे, गोरखपुर को देंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश को देंगे, और उनके द्वारा जो पूंजी कमाई जाएगी उसका उपयोग नियम पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में करने में सफल होंगे। प्लास्टिक पार्क की परियोजना भी यहाँ पर मूर्त रूप लेने जा रही है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरण में चल रही है। ऐसे ही अन्य तमाम परियोजनाएं यहाँ पर हम लोग लागू करने जा रहे हैं। खासतौर पर आईटी पार्क के निर्माण की कार्रवाई भी यहाँ पर पूरी तरह आगे बढ़ रही है, उसके लिए भूमि आवंटन का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। लगे हुए उद्योगों को या तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के माध्यम से वे लोग पॉल्यूशन फ्री उद्यम होंगे, या फिर गीड़ा के साथ मिलकर के यहाँ पर सी टीवी का निर्माण करके नदी में कहीं भी कोई भी प्रदूषण न गिरे और हमारी नदियां भी स्वच्छ और सुंदर बनी रहे, लेकिन साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ एक पूरा क्षेत्र जुड़ करके हम एक नई ऊंचाइयों की ओर गोरखपुर को लेकर जा सके, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी अपने पहले कार्यकाल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया था। परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति को प्रदेश के अंदर लागू करके परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी डिजाइनिंग, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग और उसे हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी परंपरागत उद्यम के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के जीवन में खुशहाली ला सके, यह कार्यक्रम यहाँ पर पहले ही लागू किया जा चुका है और वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों के कल्याण के लिए भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि रेडीमेड गारमेंट पार्क हो या फिर प्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम के लिए भूमि आवंटन की कार्रवाई, ये सभी स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक पार्क के माध्यम से एक ही स्थान पर प्लास्टिक से बनने वाली अलग अलग आइटम को हम यहीं पर स्थापित करके यहाँ के बड़े मार्केट को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं,
और मेरा विश्वास है कि गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर या आसपास के जितने भी जनपद हैं, इन जनपदों का मतलब केवल वह एक जनपद नहीं होता है, बल्कि एक बड़ी आबादी, लगभग 5 से 6 करोड़ की वह आबादी होती है, और उसके साथ ही बिहार और नेपाल की भी बड़ी आबादी अपने मार्केट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए गोरखपुर पे निर्भर करती है, आसपास के जनपदों पे निर्भर करती है। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, और इसीलिए आज गोरखपुर में आप देख रहे होंगे, पहले एक बात बिहारी मेडिकल कॉलेज था, आज बिहारी मेडिकल कॉलेज अपने नए रूप में तो आ चुका है, लेकिन गोरखपुर में एम्स का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है, एम्स अब गोरखपुर में अपनी सेवा देना प्रारंभ कर दिया है। पहले यहाँ पर फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था, आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना फिर से नए सिरे से उर्वरक का उत्पादन कर रहा है, और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई राज्यों को उर्वरक की सप्लाई गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना ही वर्तमान में करना प्रारंभ कर दिया है। पिपराइत में लगी हुई चीनी मिल हो या फिर गोरखपुर में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम ये युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगा कि जब एक और प्रदेश सरकार विकास और रोजगार को ध्यान में रखकर के अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, और इस स्थितियों में हम भी एक सकारात्मक भाव के साथ विकास की परियोजनाओं के साथ आगे जुड़ते हैं, तो इसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आएंगे, विकास भी होगा, हर नौजवान के हाथ को काम भी मिलेगा, और उसके जीवन में इसके माध्यम से खुशहाली आएगी, प्रत्येक की आय में वृद्धि होगी, और नित नई परियोजनाओं के माध्यम से ढेर सारा रोजगार भी यहाँ पर उपलब्ध होने में मदद मिलेगी। आज यहाँ पर ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, खासतौर पर जिन उद्यमियों ने क्रीड़ा के अंदर अपना निवेश किया है उनकी एक शिकायत हुआ करती थी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। आज क्रीड़ा प्रशासन ने उन बुनियादी सुविधाओं को यहाँ पर देना प्रारंभ किया है, युद्ध स्तर पर कार्य यहाँ प्रारंभ हुआ है, अच्छी सड़कें बन रही है, जल निकासी की व्यवस्था हो रही है, जितने भी उद्यमी यहाँ पर है, खासतौर पर चेम्बर ऑफ ट्रेडर से मैं कहूंगा, चेम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं कहूंगा या चेम्बर ऑफ इंडस्ट्री से मैं कहूंगा, हमारा प्रयास हो कि गीड़ा प्रशासन के साथ मिलकर के इस पूरा गीड़ा क्षेत्र में जितनी भी खाली लैंड है अधिक से अधिक हम लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करके इसको न केवल बुनियादी सुविधाएं हो बल्कि इसको हरा भरा बनाने में भी अपना योगदान दे, जिससे यह क्षेत्र अपने आप में एक आध्यात्मिक और विकास का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, और उस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मैं एक बार फिर से सभी निवेशकों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि अभी निवेश का एक बड़ा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में 3 जून को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है, लगभग 75,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से लखनऊ में होगा। मैं यहाँ के प्रमुख उद्यमियों को भी उसके लिए आमंत्रित करूंगा कि वे लोग भी इस कार्यक्रम में भागीदार बने, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करें। शासन की पॉलिसी है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में विशेष पैकेज ऑफ सब्सिडी भी हम लोग इसके लिए दे रहे हैं, तो सरकार की सेक्टोरियल पॉलिसी का ध्यान में रखते हुए वे अगर निवेश करते हैं अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा, अच्छा मार्केट भी मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में निवेश का मतलब सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी अगर कहीं हो सकती है तो आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में हो सकती है, तो सुरक्षा की दृष्टि भी उनकी पूंजी भी सुरक्षित रहेगी, वे भी सुरक्षित रहेंगे, और उत्तर प्रदेश विकास के इन निवेश के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, अपने नौजवानों को अपने गांव और अपने घर में ही रोजगार देने में सफल होगा, और हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं जिन आवंटियों ने यहाँ पर निवेश के प्रस्ताव दिए हैं
उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूँ जो उद्यम यहाँ पहले से निवेश किए हैं। शासन के नियमों के मुताबिक वे लोग यहाँ पर उद्यम का संचालन करने और गीड़ा को हरा भरा रखने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ हम स्थानीय नौजवानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए और कोई भी नौजवान जो प्रतिभाशाली नौजवान है उसे नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं सभी निवेशकों को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने नौजवानों को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज मैं पूज्य महाराज जी के धन्यवाद मैं दूंगा कि हजारों हजारों बच्चे जो हमारे यहाँ गरीब गुरबा परिवार के हैं, हमारे एक परिवार के बच्चों को गीडा में नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, गोरखपुर के बच्चों को रोजगार मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां ने आज करीबन 1,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश किया, उन सभी कंपनियों को साधुवाद। और गोरखपुर को लोग एक बहुत बड़ा हब देख रहे हैं, आने वाले समय में इसको नोएडा बनाया जा रहा है। तो अगर गोरखपुर का नोएडा कोई है वो गीडा है, और मैं इसके लिए पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि को यशस्वी प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं उनका रुक जाओ बतियावत है तो उनको पूरा मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जानते हो कितने फायदा मिलेगा? हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। परिवार हमारे साथ हमारे सीनियर नेता हैं रमेश सिंह जी, बतावा हो। अरे बोला ना, बोल ना। कि हम सब यहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ के लोगों को, गोरखपुर के लोगों के आसपास के लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। महाराज जी की महत्वाकांक्षी परियोजना में सब लोग पूरे इलाके में सब में खुशी व्याप्त है। लोकार्पण शिलान्यास तथा उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपने के समारोह में गीडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों के लगाए स्टॉलों का भी अवलोकन किया, उनसे बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। यहां डिस्टिलरी, फूड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, लिमिनेट्स, सरिया, ई व्हीकल आदि के उद्यमियों ने स्टॉल लगाए थे। सीएम ने एक स्टॉल पर प्रदर्शित प्लास्टिक पार्क के मॉडल को भी देखा। इस संबंध में सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा की धरती पर गीडा में 143 करोड़ की परियोजना दी है। योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से गीडा भी नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कई कंपनियों के आने से ज्यादा लोगों और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव MSME एवं सूचना नवनीत सहगल, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, CEO गीडा पवन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, थोड़ा सा आ गया।
सहजनवा की धरती पर गीडा में आयोजित सभी को भूखंड आवंटन कार्यक्रम में 145 करोड़ की योजना दी है। हमारा गीडा महाराज जी के आशीर्वाद से अब नोएडा की तरफ बढ़ रहा है और जिसमें ऐतिहासिक विकास, भय मुक्त गीडा और ऐतिहासिक काम, जिससे यहाँ ज़्यादा कंपनियाँ लगेंगी, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसी को दूर पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ के लोग यहीं रोज़गार करेंगे। 6 नए निवेशकों व रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को सीएम के हाथों भूमि आवंटन का पत्र मिला। गीडा में उद्योग लगाने को निवेश प्रस्ताव देने वाले क्यान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड को 20 एकड़, तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 5.5 एकड़, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्वार्टर्स ओपलवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मोटर प्राइवेट लिमिटेड तथा बुद्धा मेडिकल ट्रस्ट के प्रमुखों प्रतिनिधियों को 5-5 एकड़ भूमि आवंटन पत्र का वितरण सीएम योगी के हाथों हुआ।
इन नए निवेशकों की तरफ से कुल 1005 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसके माध्यम से करीब 2700 नए रोजगार का सृजन होगा। योगी सरकार की पहल पर गीडा के भीटी रावत सेक्टर 26 में 25 एकड़ भूमि पर 101 भूखंड का गारमेंट क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इसमें 56 भूखंडों के आवंटन पत्र जारी किए गए। इनमें से 5 भूखंड के उद्यमियों को भी मुख्यमंत्री के हाथों आवंटन पत्र प्राप्त हुआ। रेडीमेड क्लस्टर के इन सभी भूखंडों पर करीब 50 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 1500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस तरह सीएम योगी की मौजूदगी में रविवार को गीडा में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 4200 नए रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद आदित्य मोटर के राजू जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है और अब गीडा का विकास होने जा रहा है। उसमें 5 एकड़ का प्लाट हमने भी लिया है और इसमें करीब 300 से 400 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं स्टार हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर विजाहत करीम ने बताया कि जितना काम 22 साल में हुआ है उससे दुगना काम योगी आदित्यनाथ के सरकार में हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री को, जिन्होंने गोरखपुर को नई दिशा में लाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं राजेश पांडे ने बताया कि गोरखपुर के विकास के लिए यह बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 150 लोगों को यहाँ पर रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे बढ़िए और अच्छा कार्य करिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टार हॉस्पिटल के चेयरमैन विजाहत करीम, उद्यमी राजेश पांडे व आदित्य मोटर्स के चेयरमैन राजू जायसवाल ने कहा, 4306 करोड़ की गारमेंट क्लस्टर पार्क कोजी उद्योग के आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से दिया जाता हुआ। तत्पश्चात श्री इमरान अहमद जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आएंगे। भीड़ी रावत सेक्टर में गारमेंट के क्षेत्रफल में इनके लिए निवेश। तत्पश्चात श्रीमती कुसुम जायसवाल अपने इस निवेश के लिए अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। मैसर्स एक्टिव एंटरप्राइजेज एलएलपी द्वारा श्री विजहर करीम जी 961 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में आवंटित 1.20 करोड़ की निवेश के आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए इसके पश्चात श्री रोहित छापड़िया जी 20 एकड़ के क्षेत्रफल में 702 करोड़ का निवेश इन्होंने जनपद गोरखपुर के लोगों के लिए कर्तव्य के साथ इस निवेश के लिए हम सभी आपको सादर धन्यवाद देती है। आमंत्रण पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से प्राप्त करते हुए पियॉन्ड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के तत्पश्चात मैसर सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के श्री अनुज अग्रवाल जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आमंत्रण पत्र को प्राप्त करें। मैं प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री अनुज अग्रवाल निदेशक महोदय 5 एकड़ के क्षेत्रफल में 118 करोड़ का तत्पश्चात तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राकेश कुमार मिश्रा जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आए। 5.5 एकड़ में 105 करोड़ रुपए का निवेश आज के इस आवंटन पत्र को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात हम आमंत्रित करेंगे क्वार्ट ओपन वेयर से श्री रविंद्र अग्रवाल जी एवं श्री राजीव अग्रवाल जी को। 5 एकड़ के क्षेत्रफल में कुल 50 करोड़ का निवेश गोरखपुर के जनमानस को रोजगार देने के लिए आप लोगों के द्वारा किया गया है। आप इस निवेश के लिए आवेदन पत्र को और युवाओं से अनुरोध है कि तालियों के द्वारा 20 करोड़ रुपए का निवेश उन्होंने आज अपने आवेदन पत्र को प्राप्त करते हुए 5 एकड़ के क्षेत्रफल में श्री राजकुमार जयसवारा डॉक्टर आर ए अग्रवाल जी से अनुरोध है। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज जी का और गोरखपुर के लिए एक बहुत ही सुंदर दिशा महाराज जी ने शुरू की है। हम समझते हैं कि पिछले 5 साल में जितना काम हुआ है उससे दुगना काम अब इस दिन के कार्यकाल में होगा। पूरी उम्मीद है गोरखपुर के लिए, खासतौर से महाराज जी का मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ा वरदान है। कितना फायदा होगा यहाँ के लोगों को?
बहुत फायदा होगा, जॉब मिलेगा और रेगुलरिटी रहेगी लाइट की इलेक्ट्रिसिटी की, कानून व्यवस्था कायम रहेगी, सब कुछ सही होगा। हम लोग यहाँ पर गीडा सेक्टर 26 में नॉन ओवन फैब्रिक के लिए आवंटन पत्र महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पर गोरखपुर के विकास के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग यहाँ पर लगभग में 150 लोगों को रोज़गार देंगे, 150 परिवारों को एक रोज़गार मिलेगा, इसके लिए हमने गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट किया है। महाराज जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर आप लोग आगे बढ़िए, प्रोत्साहन उन्होंने किया है कि आगे बढ़िए, अच्छा करिए और जहाँ तक रहेगी सरकार हर संभव मदद करेगी, सब हर प्रयास करेगी। राजू जायसवाल, आदित्य मोटर्स, गोरखपुर। हाँ, आज आवंटन पत्र मिला महाराज जी, पूजनीय महाराज जी के हाथों से जी। बहुत बहुत अच्छा पहल है और गोरखपुर के लिए और गीडा का बहुत सारा विकास होने जा रहा है। उसमें हम लोगों ने भी एक 5 एकड़ का प्लाट लिया है जिसमें करीब 300-400 लोगों का रोज़गार मिलेगा और फैब्रिकेशन का काम हम लोगों ने शुरू कर रहा है और महाराज जी ने बोला है कि कोई अड़चन नहीं आएगा और ये पहल बहुत अच्छा है हम गोरखपुर के लिए, हम गोरखपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार गोरखपुर में मिलने जा रहा है और ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी फरियाद, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद दोपहर बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। सीएम योगी ने गीडा में 143.69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। सौंपा गीडा में 1005 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव देने वाले 6 नए निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र। कहा, निवेश सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है, उत्तर प्रदेश पूरे देश में नजीर के रूप में ली जा रही यूपी की कानून व्यवस्था, सुरक्षा के माहौल से यूपी बना निवेशकों का पसंदीदा स्थान। गीडा में सीएम योगी ने उद्यमियों के स्टालों का किया अवलोकन, बातचीत कर बढ़ाया उनका उत्साह। सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है गीडा। छह नए निवेशकों व रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को सीएम के हाथों मिला भूमि आवंटन पत्र। निवेशकों व उद्यमियों ने कहा, जितना काम 22 साल में हुआ है उससे दुगना काम किया है योगी सरकार ने। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में 144 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, विकास ही उज्जवल व मंगलमय भविष्य की है गारंटी, हर एक व्यक्ति को न्याय, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा, यही है सरकार की मंशा और प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के 3-3 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपा आवास की चाबी तथा गोवंश रक्षा के लिए भूसा दान देने वाले 3 लोगों को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। छह रोगियों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवा के किट्स का किया वितरण, लाभार्थियों ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। दुष्कर्म के आरोप में कई महीनों से वांछित चल रहे एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गीडा में साहू समूह के स्टॉल का सीएम योगी ने किया अवलोकन। साहू समूह के सीएमडी अजय साहू ने कहा, 1 मई को एलईडी टीवी और रविवार को वॉशिंग मशीन किया है लॉन्च, उनकी कंपनी ने पूर्वांचल के लोगों से मिला है भरपूर प्यार। और गीडा में उद्यमियों के स्टॉलों में से एक पर लगे ई बाइक पर सदर सांसद रवि किशन हुए मुग्ध। ई बाइक को चलाकर लिया ट्रायल, कंपनी के फाउंडर ने कहा, ई बाइक एक बार चार्जिंग करने पर चलेगी 150 किलोमीटर और प्राइस है मात्र 90,000। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं
एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसढ़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर जिन कारणों से बदनाम था, आज उनसे मुक्त हो चुका है। गोरखपुर की पहचान सबसे तेज विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए महानगर के रूप में स्थापित हो रही है। विकास ही एक उज्जवल और मंगलमय भविष्य की गारंटी हो सकती है और उस विकास के साथ हम सबको जुड़कर गोरखपुर को और आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हर एक को न्याय मिले, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, यही सरकार की मंशा और प्राथमिकता है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ व्यक्ति को न्याय मिलना व दिखना भी चाहिए। सीएम योगी रविवार सुबह महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित समारोह के दौरान जिले में सड़क, बाढ़, सुरक्षा, शिक्षा आदि से संबंधित 144 करोड़ रुपए से अधिक की 61 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 33.16 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण व 111.33 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें आम जनमानस की सहभागिता आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक योग्य जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए परियोजनाएं लेकर आता है और आज उसका परिणाम है कि जनपद की एवं गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विकास देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क बन रही है, कहीं स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, कहीं उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नवनिर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ रही है, बाढ़ बचाव से जुड़े काम हो रहे हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज तो कहीं अस्पताल का निर्माण हो रहा है। कुछ ना कुछ कार्य हर क्षेत्र में निरंतर हो रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार धनराशि देती है और हमारे सांसदगण, विधायकगण उससे विकास योजनाओं के लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत कर धनराशि और मुक्त करती है। जनता का भी दायित्व है कि सकारात्मक रूप से विकास की परियोजनाओं में अपना सहयोग करते हुए उसे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बाधा आती है और कार्य में देरी हुई तो उसका रिवाइज एस्टीमेट प्रस्तुत किया जाता है, जिससे प्रदेश के राजस्व पर उसका विपरीत असर पड़ता है।
साथ ही विकास की परियोजनाओं में देरी होने के कारण आम जनमानस को भी काफी परेशानी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी बड़ी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में जब जनता भी सकारात्मक भाव के साथ परियोजनाओं के साथ जुड़ती है तो कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। सीएम ने कहा कि आज गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित हो रहा है। वाराणसी से गोरखपुर और गोरखपुर से सनौली मार्ग फोर लेन बनने के साथ ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। नया फोर लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में उपलब्ध हो रहा है। पहले महानगर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज का रोड बहुत संकरा और व्यस्त था, लेकिन आज महानगर से मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे तो फोर लेन का उच्च स्तरीय मार्ग बनकर तैयार है। ऐसे ही मोहद्दीपुर से गोरखनाथ मंदिर से होते हुए सनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया की तरफ जाते हैं तो जंगल कौड़िया तक यह मार्ग फोर लेन बनने के साथ ही लाइट की जगमगाहट से विकास की एक नई कहानी कहता है। गोरखपुर से नेपाल जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर ना आना पड़े, इसके लिए जंगल कौड़िया से कलेश्वर तक एक नया बाईपास भी बनकर तैयार है। ऐसे तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। सीएम ने कहा कि गोरखपुर का एम्स प्रारंभ हो गया है। प्राणी उद्यान मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन के रूप में विकसित हुआ है। इसके साथ ही रामगढ़ताल पर्यटन की दृष्टि से निरंतर विकसित हो रहा है। रात्रि को फर्टिलाइजर कारखाने की लाइट गोरखपुर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या ना हो, इसके लिए अभी से प्रयास करना है। प्रशासन युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। शहर के अंदर बरसात के दौरान जल जमाव की स्थिति न आए, इसके लिए अनेक कार्य चल रहे हैं। गोरधोइया नाली की सफाई के साथ ही रामगढ़ताल से तरकुलानी के बीच नाला बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जितना भी शहर का पानी होगा रामगढ़ताल होते हुए तरकुलानी में पहुंचेगा और वहां से पूरा पानी गुर्रा नदी व राप्ती नदी में जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित रूप से हम लोग जनता की समस्याओं को सुने। अगर कोई जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए काम करे तो तमाम विवादों का समाधान जनसुनवाई के माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि माह में दो बार तहसील थाना दिवस आयोजित किया जाए और यह भी सुनिश्चित हो कि ग्राम पंचायत की समस्याओं का समाधान उसी स्तर पर हो। सकारात्मक सहयोग से विकास को आगे बढ़ाया जाए। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, कमलेश पासवान, राज्यसभा सदस्य जय प्रकाश निषाद, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, श्री राम चौहान, श्रवण निषाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह आदि उपस्थित रहे। मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, गोरक्षपुर धनेश्वर का मैं सम्मान आग्रह करूंगी मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी से और समस्त सांसदों से और विधायकों से महंत दिग्विजयनाथ जी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करें। ये हम सभी का परम सौभाग्य है, गोरक्ष धरा का सौभाग्य है कि हमारे गोरखपुर के आराध्य, हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर के नीचे हम गोरखपुर वाले तो और विशेष रूप से सौभाग्यशाली हैं। उत्तर प्रदेश पूरा सौभाग्यशाली है कि हम सभी एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चंदन मदन अधिकारी आप सभी से अनुरोध है कि समस्त सांसदों का हमारे जिलाधिकारी सभी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे सदर सांसद किशन जी ने किया। चंदन मदन अभिनंदन विधायक विधायक महेंद्र पाल सिंह जी का, विधायक चौरी चौरा सुमन निषाद जी का जयपुर पहुंचे और 40 परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है। 21 परियोजनाओं का शिलान्यास, जो प्राथमिक परियोजनाएं सड़क की है, बाढ़ की है, लोक निर्माण विभाग की है, आवास की है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आपके लिए जनसामान्य के लिए अति आवश्यक दर्शा। जैसा कि अभी हमारे माननीय सांसद जी आप सभी को बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश क्षय मुक्त हो, लोगों को आवास मिले। जोर से बोलिए, जरा ताकत से बोलिए,
शिलान्यास और लोकार्पण के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री हमारे माननीय सांसद रविकिशन शुक्ल जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद जगकांत निषाद जी, हमारे महापौर आदर सीताराम जायसवाल, सभी माननीय विधायक, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी सहित यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिंदू आवाहनी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी महानुभाव, मीडिया के मेरे साथी, सभी अधिकारीगण मित्रों, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, चुनाव बाद पूज्य महाराज जी गोरखपुर ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश में फिर से विकास की गंगा बहा रहे हैं। मित्रों, इसके लिए आप सभी पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। मित्रों, पूज्य महाराज जी के कार्यों को आपने सराहा और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पुनः दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मित्रों, हम सब भाग्यशाली हैं, गोरखपुर ग्रामीण की जनता की तरफ से पूज्य महाराज को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि गोरखपुर ग्रामीण में करीब करीब 1500 करोड़ का पिछले पूज्य महाराज जी के शासन काल में कार्य हुए हैं। अभी आप भी पूज्य महाराज जी ने आपके सिक्काओं से लेकर के और तरकुलानी रेगुलेटर तक नाले का निर्माण पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपके कर जहां से तरकुलानी तक 5.5 मीटर चौड़ी रोड बनने जा रही है, और हमारे जितने भी एंटी रोजन साइट थे चाहे दुहिया में वो भी पूज्य महाराज जी ने स्वीकृत कर दिया है। बिना रिकमत बार में कटान हो रही थी उस पर भी पूज्य महाराज जी ने स्वीकृति दे दी है, उसका भी शिलान्यास हो रहा है। और हमारे भौवा पार बेला बंदे पर 10 की कटान स्थल पर भी कार्य है, उसका पूज्य महाराज जी लोकार्पण करें। इस तरह से पूज्य महाराज जी ने समूचे उत्तर प्रदेश में जितना कार्य किया है उसके लिए पूज्य महाराज जी को नमन करते हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज। गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय विधायक से महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक से विपिन सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, जनपद महानगर और जनपद की 144 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए पूरे गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नई सरकार का गठन हुआ है, आपने गोरखपुर में सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाई है। मैं इसके लिए पूरे गोरखपुर जनपद के वासियों को, गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। ये वास्तव में विकास के प्रति गोरखपुर की आम जनमानस की भावनाओं का अभिव्यक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि लोगों ने उन तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं को नकारा है। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य संकीर्णताओं के आधार पर समाज को विभाजित करना चाहते थे, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार जो है, लगातार दूसरी बार प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की परियोजनाओं में सड़कों की है, नालियों की है, बाढ़ बचाव से संबंधित है, विकास से संबंधित तमाम अन्य प्रकार की योजनाएं हैं जिनका यहाँ पर लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास भी हो रहा है। कुल 61 परियोजनाएं हैं और 61 परियोजनाओं को
समयबद्ध ढंग से 40 परियोजनाओं को पूरा करते हुए आज उनका लोकार्पण हो रहा है, तो 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इसमें नगरीय क्षेत्र की भी तमाम मोहल्लों से जुड़ी हुई सड़कें हैं, जल निकासी की व्यवस्था से जुड़े हुए प्रबंधन भी है, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, बाढ़ बचाव से संबंधित तटबंधों की मरम्मत, बाढ़ बचाव के कार्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी इसके साथ समाहित है। प्रदेश सरकार की विकास के प्रति इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों की रुचि के अनुरूप उन कार्यक्रमों को उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के सरकार के नीतिगत निर्णय का यह हिस्सा है, जिसे लेकर के आज हम गोरखपुर के सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर जी और इन सब के साथ मिलकर के हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विकास केवल शासन के अनुसार ही नहीं चलना चाहिए, आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ हो, जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे और एक योग्य जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए एक न एक परियोजना निरंतर लेकर के आता है और आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। कई सड़क बन रही है, कई स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कई उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नव निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं पर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी क्षेत्र में ये निरंतर हो रहे हैं। और मैं आज आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं कि सरकार धनराशि देती है, हमारे माननीय सांसद विधायकगण उसके लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत करके धनराशि भी मुक्त करती है और जनता जनार्दन का भी दायित्व तो है कि सकारात्मक रूप से विकास की परियोजनाओं में अपना सहयोग करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में हम लोग भी अपने स्तर पर मदद करें। विकास कार्य में किसी भी प्रकार का कोई घोड़ा नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाधा आती है और कार्य 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेट हुआ तो उसका फिर हमें रिवाइज स्टेट के लिए जाना पड़ता है, दाम पड़ता है, राजस्व पर, प्रदेश के राजस्व पर इसका विपरीत असर पड़ता है और विकास की परियोजना लेट होने के कारण आम जनमानस को भी इसके कारण काफी परेशानी होती है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन भी जब सकारात्मक भाव के साथ इन परियोजनाओं के साथ जुड़ती है तो कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हमें भी मदद मिलती है। आज गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित हो रहा है। आपने देखा होगा वाराणसी से गोरखपुर और गोरखपुर से सोमाली वाला मार्ग 4 लेन बनने के सामने तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ इस पर 4 लेन का कार्य हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच पहले से एक 4 लेन है, आज एक नया 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में गोरखपुर को उपलब्ध हो रहा है। गोरखपुर सिटी के अंदर भी आप देख सकते हैं, पहले गोरखपुर महानगर से ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज का रोड कितना संकरा और व्यस्त था, लेकिन आज गोरखपुर से महानगर से आप मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, 4 लेन का बहुत हाई क्लास का मार्ग बनकर के तैयार है और रात्रि में अगर आप निकलेंगे पूरी लाइट सी की जगमगाहट के साथ आपको एक नए गोरखपुर का दर्शन होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही मोतीपुर से जब आप गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया की तरफ जाते हैं तो जंगल कौड़िया पर यह मार्ग 4 लेन का बनने के साथ ही लाइट की जगमगाहट से विकास की एक नई कहानी कहता है। गोरखपुर में नेपाल जाने वाले या गोरखपुर के उत्तरी जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों के सिटी के अंदर ना आना पड़े,
जंगल कोड़िया से कालेश्वर तक एक नया बाईपास भी बनकर के खड़ा हो चुका है। आवागमन उससे तेजी के साथ चल रहा है। विकास की तमाम योजनाओं को लेकर के आज गोरखपुर के अंदर ही आपने देखा होगा, मोदीपुर से जेल बाईपास होते हुए बरगदवा तक ये मार्ग 4 लेन का बन रहा है। ऐसे सिटी के अंदर तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है, एक बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या न होने पाए इसके लिए अभी से प्रयास कर लेना, और इस पर प्रशासन युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा गुड़दवा नाला कभी सफाई नहीं हुआ था, लेकिन आज गुड़दवा नाला मेडिकल कॉलेज के आगे से लेकर के रामगढ़ ताल तक कितना साफ हो चुका है, कितना कचरा निकला है वहां से, कभी सफाई नहीं हुआ अपने समय से, सैकड़ों वर्षों से वह नाला जैसे के तैसे था, अतिक्रमण भी उसमें हो गया था, लेकिन अब नाला साफ हो गया है, जल निकासी होगी, आसपास के किसी भी मोहल्ले में जल जमाव नहीं होगा, और जब इसी नाले पर दोनों वो सड़कें बनेंगी आवागमन के लिए, वो एक नया पर्यटन का केंद्र बनेगा गोरखपुर में, स्थानीय स्तर पर लोगों के आवागमन को सरल करेगा, लेकिन साथ साथ व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। ऐसे ही गोरखपुर महानगर के अंदर रामगढ़ ताल में जब बरसात में पानी ज्यादा आता है, रामगढ़ ताल से तरकुमारी के बीच ये नाला भी कभी खोदा नहीं गया था, आज वहां पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जितना भी सिटी का पानी होगा रामगढ़ ताल होते हुए पूरा का पूरा पानी तरकुमारी में पहुंचेगा, तरकुमारी में बहुत हैवी जो पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, भारी पंपिंग स्टेशन बना, वहां से पूरा पानी फिर नीचे बोरा नदी और राप्ती नदी में डाल करके होराबार के पूरे विकास खंड को जल जमाव से मुक्त करने का भी बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आप सिटी के अंदर देख रहे होंगे सड़कों का निर्माण हो रहा है, जल जमाव से मुक्ति के लिए साफ सफाई का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है, सड़कों का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज यहां पर इस पार्क में पार्क का नया निर्माण हुआ, इसके बगल में ही चिड़ियाघर भी है, जू भी है, प्राणी उद्यान भी है, प्राणी उद्यान एक नए मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित हुआ, इसके पूरब में रामगढ़ ताल है, एक मनोरंजन और पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में यहाँ पर ये गोरखपुर के लिए विकसित होता हुआ एक नया क्षेत्र बना है, जहां पर सायंकाल हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आकर के यहाँ पर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेकर के अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर का एम्स प्रारंभ हो गया है, रात्रि को फर्टिलाइजर कारखाने की लाइट आपको नए गोरखपुर के एक नई तस्वीर को आप सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। और भाइयों बहनों यही नहीं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए हम सबको मिलकर के एक अभियान चलाना होगा, मिलकर के किसी भी प्रकार की गोरखपुर जिन कारणों से बदनाम था आज गोरखपुर उससे मुक्त हो चुका है। आज गोरखपुर की पहचान सबसे तेज विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए महानगर के रूप में स्थापित हो रही है, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब भी एक साथ जुड़ करके अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए एक नई तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत होती है कि विकास ही एक उज्ज्वल और मंगलमय भविष्य की गारंटी हो सकती है, और उस विकास के साथ हमें जुड़ना है, गोरखपुर को आगे बढ़ाना है। गोरखपुर विकास की जिस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, भाइयों बहनों मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा और सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, नियमित रूप से हम लोग जनता की समस्या को सुने। अभी आपने देखा होगा मंत्री समूह आए थे, प्रत्येक जनपद में गए थे, हर कमिश्नरी के 3-3 मंत्री गए थे और उन्होंने उन कमिश्नरियों के अलग अलग जनपदों में कैंप किया, एक एक जनपद में 24-24 घंटे रहे, वहां पर वे कार्यकर्ताओं से मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, समीक्षा बैठक भी की, भौतिक विकास के कार्यों को भी किया, जनता के चौपाल के कार्यक्रम को अरे आपको भी आगे बढ़ाया, हमें भी जन चौपाल के कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा।
जनता की समस्या को सुनना होगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से एक घंटा अगर जनता जनार्दन की समस्या के निस्तारण के लिए बैठ जाए तो मुझे लगता है समाज की तमाम विवादों का प्रताक्षेप हम लोग इस सुनवाई के माध्यम से कर सकते हैं और हमें मेरिट के आधार पर न्याय संगत कार्रवाई के लिए इस प्रकार के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। प्रत्येक की सुनवाई हो, हर एक को न्याय मिले, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का एक ध्येय होता है। अगर हम विकास के कार्य की तो लंबी चौड़ी बात करें और सुरक्षा की गारंटी न दे और न्याय व्यक्ति को समय से न मिलता है तो मुझे लगता है उस विकास का उतना मायने नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ उस व्यक्ति को न्याय मिलना ही नहीं दिखना भी चाहिए और साथ साथ उसकी समयबद्ध ढंग से सुनवाई भी हो, यह आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है और हमें इस प्रक्रिया को मिलकर के एक बार फिर से आगे बढ़ाना है। और जिस दिन ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगे भाइयों बहनों, प्रत्येक नागरिक विकास की इस प्रक्रिया के साथ स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मैंने इसके बारे में पहले ही कहा है कि महीने में दो बार तहसील दिवस लगे, महीने में दो बार थाना दिवस का आयोजन हो, इसी प्रकार से महीने में दो बार विकास खंड के अवसर विकास खंड स्तर पर भी जन समस्याओं का निस्तारण हो। और अभी इससे भी एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग मिशन शक्ति के रूप में लागू करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई समस्या का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन के स्तर पर इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि विकास के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी भी स्तर पर न रहे, हम लोगों का एक सकारात्मक सहयोग जनप्रतिनिधियों को प्रशासन को निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज 144 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण गोरखपुर के अंदर हो रहा है। मैं गोरखपुर वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन परियोजनाओं के माध्यम से हम लोग न केवल गोरखपुर के अंदर आवागमन के लिए अच्छे मार्ग देने में सफल होंगे बल्कि इन विकास की परियोजनाओं के माध्यम से जल निकासी की समस्या का समाधान और बाढ़ से बचाव के लिए हम उत्तम व्यवस्था करने में सफल होंगे। एक बार फिर से आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के 3-3 लाभार्थियों को आवास की चाबी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश रक्षा हेतु भूसा दान करने वाले 3 लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी लाभार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान पाकर सभी लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया तथा गोवंश रक्षा के लिए भूसा दान देने वाले 3 लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। अशोक रामानंद जी को ये देखिए चाबी दीजिए, तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। निश्चित रूप से निखिलेश पुत्र पत्नी रामरेखा, भानुमती पत्नी रामपति, और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का आमंत्रण, जंदीरा पत्नी गोरख, जंदीरा श्रीमती देवी पत्नी रविंद्र, और जड़ाव ये लाभार्थी जिन्हें घर मिल रहा है। आपको हम बता दें कि 52,000 ग्रामीण आवास दिए जा चुके हैं, यानी 52,000 लोगों के चेहरों पर शुभारंभ हो रहा है जिनकी चाबियां ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अतुल सिन्हा जी ने जिन्होंने भूसा दान किया है, यानी और डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी,
जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी मंत्री जी के सपनों को साकार किया जा रहा है। दो वर्ष की रक्षा के सबसे पहले बाबा गोरक्षनाथ के चरणों में शीश नमन करते हुए सामने हम लोग के आशीर्वाद स्वरूप परम पूज्य महाराज जी के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद देते हुए मंच पे बैठे हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, राज्यसभा सांसद, हमारे जिला अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए सामने बैठे सभी जनता जनार्दन, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन माने। आज के इस परियोजना में हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के हमारे परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में गांव से लेके शहर तक चौमुखी विकास हो रहा है। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आंखों के सामने आज़ादी के 70 साल के बाद ये परिवर्तन देखने को मिला है, जिसका श्रेय सारा का सारा श्रेय हमारे परम पूज्य महाराज जी का है। बार इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। साथियों, समय बहुत कम है, इस बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर आर्यावर्त के दीप्यमान सूर्य, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के पूज्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके चरणों में मैं और मेरा चिल्लू पाल सत्सत भ्रमण कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। पूज्य महाराज जी सहित मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी क्षेत्रीय और जनपदीय पदाधिकारीगण, मंचासीन और सामने बैठे और सभी अधिकारीगण, महाराज मैं इतना कह सकता हूँ, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, ये जो आपकी योगी सरकार 2 आई है और उसकी जो विकास की पहली बरसात निकली है, उस पहली बरसात की पहली फुहार चिल्लूपाल को आपने दिया है, महाराज इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके हृदय में चिल्लूपाल के विकास की जो रूपरेखा है कि जब आप योजना शिलान्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आया कि चिल्लूपाल को हम क्या दें, और आपने 2,16,55,000 रुपये का कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास आपने गोला बाजार की धरती को दिया है, उसका शिलान्यास हो रहा है। मैं अपने समस्त चिल्लूपाल के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनता की तरफ से आपका हृदय की गहराई से वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ सिर्फ इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, महाराज जी आप सिर्फ विकास की तकदीर नहीं लिख रहे हैं, इस आर्यावर्त के विवाद उत्तर प्रदेश और भारत की नहीं कर रहा, इस आर्यावर्त के धूल धूसरित हो सके हो चुके स्वाभिमान को के सिरमौर बनाने के लिए जिस तरीके से आपका कार्य हो रहा है, मैं गदगद हूँ अपनी पूरी जनता, अपने क्षेत्र की तरफ से, और सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आपने उस वक्त हमें इस धरती पर जन्म दिया जब पूज्य महाराज जी भारत की सनातन संस्कृति की पताका को फहराते हुए पूरी दुनिया में एक नई संस्कृति का उदय कर रहे हैं। हम सब आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान अपने हाथों से 5-6 रोगियों के परिजनों को किट्स का वितरण किया। आपको बता दें कि 6 रोग एक घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया है। आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकार की वजह से होती है तथा 6 रोग हमेशा फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके रोगियों में मुख्यमंत्री ने दवा का वितरण किया, जिस पर सभी रोगियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। नगर से सदा सदा के लिए दूर कर देंगे रामसूरत गुरु जी, पात्र
मतदान किया जा रहा है। संदीप जी आ जाएं। संदीप जी के ये माननीय मुख्यमंत्री जी के घर कमलों द्वारा तौर से शिवेंद्र जी, रविंद्र जी और सत्यभान जी आ जाएं। और आपको हम बता दें, अब आवास, ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तुषारधाम प्रधानमंत्री आवास योजना सब ईश्वर यशस्वी कर्मठ निस्वार्थ ऐसे मुख्यमंत्री जो देश के हर राज्य के जनता चाह रही कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हो, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में हम चाह जोर से भैया हो, गड़गड़ाहट करके ताली करके इनके चंदन वंदन अभिनंदन। एक भव्य जीत उत्तर प्रदेश की देवकुल जनता ने हमारे पूज्य महाराज जी को दी, वो विश्वास जो निरंतर महाराज जी सबके लिए निस्वार्थ रूप से काम करके लोगों के दिल में बसते हैं, हर परिवार, हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर बेटी, वो सुरक्षा की दृष्टि हो, वो योजनाएं हो, वो विकास हो, उत्तर प्रदेश का एक अद्भुत भविष्य हो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हो, एक नया गोरखपुर जैसे कि पूज्य महाराज जी ने सपना देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर कैसे बढ़ेगा, उनका स्वागत है। पूज्य महाराज जी का अनगिनत योजनाओं के साथ महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं, हमेशा जब भी आते हैं महाराज जी, आज 144 करोड़ की योजनाएं देंगे। माननीय सांसद हमारे सदन में हमारे साथी कमलेश पासवान जी बांसगांव, उनका स्वागत। माननीय विधायक गण सारे जो जितने हैं उनका स्वागत। जयप्रकाश निषाद जी राज्यसभा सांसद, उनका स्वागत। मेयर साहब का स्वागत। हम मंचासीन जितना भी लोग पाड़न विधायक गण सांसद गण सबको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि समय कम बाद दो मिनट मिलन बाटे, वो दो मिनट में हमके अपन बात रखे के हो, तो सब मंचासीन सबको स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सारे कार्यकर्ताओं को प्रणाम, हिंदू युवा वाहिनी के सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रणाम, सारे दिग्गज नेता जो आगे बैठे हैं सबको प्रणाम। आज महाराज जी 144 करोड़ की योजनाओं को लेकर आपके समक्ष आए हैं। 61 विभिन्न परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास की चाबी भी आज पूज्य महाराज जी के हाथों आशीर्वाद के स्वरूप हम लोगों को मिलेगी। जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, और महाराज जी हमेशा चाहते हैं कि ऐसे लोगों तक वो मदद पहुंचे जो आखिरी पंक्ति में खड़े रहे, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उसी पद चिन्हों पर महाराज जी इस नए भारत के साथ, नया उत्तर प्रदेश, नए गोरखपुर को लेके चल रहे हैं। तो आज बहुत सारी योजनाएं रहेंगी, टीबी मुक्त भारत, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है कि 2025 तक टीबी फ्री इंडिया होगा, जहां टीबी से सब लोग मुक्त होंगे। आज उसकी दवाइयों की किट का कुछ वितरण है, वो भी आज इस मंच पर होगा। और बहुत सारे लोगों को धन्यवाद जो महाराज जी के जो दिल के बहुत करीब है, वो चीज है कि गौशाला, गाय और जितने भी प्राणी हैं, जानवर, उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। तो बहुत सारे ऐसे भी विभूतियां यहाँ पर आई हैं जो घास भूसा देकर उनको हमेशा उनका ख्याल रखती हैं, और जो भी छूटे हुए जानवरों का ख्याल रखती हैं, तो आज उनको सम्मान महाराज जी, पूज्य महाराज जी यहाँ करेंगे। तो अनगिनत योजनाओं के साथ पूज्य महाराज जी आए हैं। बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि महाराज जी ने कल जैसे महाराज जी के साथ गुजर रहे थे तो कई जगह पे महाराज जी 4 लेन 6 लेन बीच में सड़क पे लाइट, और कहीं कहीं उनका मन है कि पैलेस भी रहे गोरखपुर में, यहाँ लोगों को ऊर्जा भी मिले, उनकी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़े, रोजगार भी मिले। आज गीडा में भी कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट होगा, और आज कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा, अनगिनत रोजगार, जैसे कि आप जान रहे हैं होमगार्ड से लेके अनगिनत योजनाओं को महाराज जी निरंतर, कल महाराज जी का कल कार्यक्रम, क्योंकि वहां पे मिडिल ईस्ट में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तहत देहांत पर कैंसिल हुआ था, महाराज जी चाहते तो आराम करते, लेकिन गाड़ी में बैठ के पूरा 2-3 घंटा कुल सड़कों का निरीक्षण किए, हर नाले का किए कि बरसात आ रहा है, बरसात में कहीं पानी का जल जमाव ना हो। तो ये छोटी सोच महाराज जी को, बच्चों के प्रति प्यार, वो आप लोगों के प्रति प्यार, मानवता के प्रति प्यार, देश के प्रति प्यार, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति प्यार, ये आज बहुत कुछ सीखने मिल रहा है।
कैंट पुलिस ने दुष्कर्म में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कूड़ाघाट तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रोहित सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी नंदानगर डरगहिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त कई महीनों से वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक रुद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल अभिमन्यु तिवारी शामिल रहे। गीडा में साहू समूह के स्टॉल का सीएम योगी ने अवलोकन किया, जिसके संबंध में साहू समूह के सीएमडी अजय साहू ने बताया कि गीडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के परिसर में उनके कंपनी का स्टॉल लगाया गया है। उनकी कंपनी ने 1 मई को एलईडी टीवी और रविवार को वॉशिंग मशीन लॉन्च किया है। पूर्वांचल के लोगों के प्यार ने साहू परिवार को यहां तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल ने मेरे स्टॉल का निरीक्षण किया और उनसे बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए साहू समूह के सीएमडी अजय साहू ने कहा, सीएमडी साहू समूह और इस योगी जी के हम गीडा में पदार्पण पे हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है और कंपनी अभी 1 मई को एलईडी और आज वॉशिंग मशीन लॉन्च कर रही है। और वॉशिंग मशीन तो अपना 75 ईयर से ज़्यादा भी हो चुका है, जिसमें अभी कूलर वगैरह भी एक से एक मॉडल यहाँ पे लगाए गए हुए हैं और पूर्वांचल के लोगों का प्यार साहू समूह के आज यहाँ तक पहुँचाया है। और इसी क्रम में जो है आइटम बहुत सारे लगे हुए हैं सारे, देखिए मुख्य सचिव जी ने निरीक्षण किया अभी। हाँ, और मुख्य सचिव जी भी अभी यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे तो उनको जो है बहुत अधिक मतलब पसंद आया साहू का सारा। गीडा में सीएम योगी के उद्यमियों के स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान एक कंपनी के स्टॉल में लगे ई बाइक पर सदर सांसद रवि किशन मंत्रमुग्ध हो गए और सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल से जाने के उपरांत वापस कंपनी के स्टॉल आए और बकायदा ई बाइक को चलाकर उसका ट्रायल लिया और उसकी क्षमता से संतुष्ट दिखे। इस संबंध में VS एनर्जी टेक्नोलॉजी के फाउंडर विवेक सिंह ने बताया कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया है, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बना रहे हैं। जो चाइना बनती थी वह इंडिया में बना रहे हैं। साथ ही पेट्रोल से मुक्ति पाने के लिए सस्ते में एक ई बाइक भी लॉन्च किया जा रहा है, जो एक बार चार्जिंग करने पर 150 किलोमीटर चलेगी और इसकी प्राइस मात्र 90,000 रुपये है। आपको बता दें कि सदर सांसद रवि किशन ने इस ई बाइक को चलाकर ट्रायल लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए VS एनर्जी के फाउंडर विवेक सिंह ने कहा, चार गाड़ी
विवेक सिंह है और बेसिकली मैं रहने वाला देवरिया से हूँ, बट अभी हम गोरखपुर के अंदर, मुझे अभी सरकार ने एक इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया है 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो चाइना में बनती थी वो इंडिया में बना रहे हैं और बहुत सस्ता बना रहे हैं। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग एक ईवी बाइक भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल से मुक्ति पाने के लिए सस्ते में इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक भी हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करेंगे और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी अभी हम आपको जानकारी देंगे। प्लस अभी लाइटिंग जो है ये देख रहे हैं आप, जो हैंडमेड है, दिवाली के डेकोरेटिव आइटम्स है, सोलर लैंप है, टॉर्च है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। बाकी ईवी के लिए जो हमारे टेक्निकल हैं पार्ट है, ये आपको प्रॉपर ब्रीफिंग करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। मेरा नाम भुवनेश कुमार है, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मैं वर्डन मोटर्स का फाउंडर एंड सीईओ हूं। और अभी हमने ये इंडिया का इलेक्ट्रिक बाइक बनाया है, जो कि एक बार चार्ज करने में 150 किलोमीटर जाती है और 90,000 तक के कॉस्ट में आएगी। और अभी हम ये गीड़ा में ही, गोरखपुर में ही इसका असेंबली प्लांट लगाएंगे। धन्यवाद। और ये क्या कहते हैं कि ये अभी हमें शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा में DRDO की तरफ से अवार्ड मिला था, जो कि वहाँ पे ऑल ओवर UP से 75 स्टार्टअप्स आए थे, उसमें से हमको द्वितीय पुरस्कार मिला। और अभी यहाँ पे गीड़ा में ही हमें फैक्ट्री की ज़मीन मिली हुई है, जिसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं और विद इन 6 मंथ हम ट्राई करेंगे कि इसको मार्केट में लॉन्च कर दें और लोगों को जो पेट्रोल है उससे मुक्ति दिलाएं और अफोर्डेबल और पॉल्यूशन फ्री इंडिया बनाएं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी फरियाद। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद दोपहर बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। सीएम योगी ने गीडा में 143.69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। सौंपा गीडा में 1,005 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव देने वाले 6 नए निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र। कहा, निवेश सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उत्तर प्रदेश। पूरे देश में नजीर के रूप में ली जा रही यूपी की कानून व्यवस्था, सुरक्षा के माहौल से यूपी बना निवेशकों का पसंदीदा स्थान। गीडा में सीएम योगी ने उद्यमियों के स्टॉलों का किया अवलोकन। बातचीत कर बढ़ाया उनका उत्साह। सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है गीडा। छह नए निवेशकों व रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के 5 उद्यमियों को सीएम के हाथों मिला भूमि आवंटन पत्र। निवेशकों व उद्यमियों ने कहा, जितना काम 22 साल में हुआ है उससे दुगना काम किया है योगी सरकार ने। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में 144 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, विकास ही उज्जवल व मंगलमय भविष्य की है गारंटी। हर एक व्यक्ति को न्याय, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा, यही है सरकार की मंशा और प्राथमिकता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के 3-3 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपा आवास की चाबी तथा गोवंश रक्षा के लिए भूसा दान देने वाले 3 लोगों को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। छह रोगियों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दवा के किट्स का किया वितरण। लाभार्थियों ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। दुष्कर्म के आरोप में कई महीनों से वांछित चल रहे एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गीडा में साहू समूह के स्टॉल का सीएम योगी ने किया अवलोकन। साहू समूह के CMD अजय साहू ने कहा, 1 मई को LED TV और रविवार को वॉशिंग मशीन किया है लॉन्च। उनकी कंपनी ने पूर्वांचल के लोगों से मिला है भरपूर प्यार। और गीडा में उद्यमियों के स्टॉलों में से एक पर लगे ई बाइक पर सदर सांसद रवि किशन हुए मुग्ध। ई बाइक को चलाकर लिया ट्रायल। कंपनी के फाउंडर ने कहा, ई बाइक एक बार चार्जिंग करने पर चलेगी 150 किलोमीटर और प्राइस है मात्र 90,000। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।